रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का रियाल का रेट है, एक्सचेंज रेट और मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं जी कि एक भाई दोस्त था मेरा, उसने मेरी वीडियो वगैरह देखता था और साथ में गपशप भी होती थी व्हाट्सएप के ऊपर, जैसा कि मैं व्हाट्सएप अपना मुख्तलिफ वीडियोज़ में शेयर करता रहता हूँ नंबर, तो भाई मुझसे रब्ता करते रहते हैं। अच्छा, उसने व्हाट्सएप के ऊपर गपशप भी होती थी, उसने 5000 रियाल रोक कर रखे हुए थे। मैं आपको आपके साथ ये बात क्यों शेयर करने वाला हूँ, सुन लें, मैं जो वीडियोस में बताता हूँ। देखें, आप जो पुराने सऊदी में बैठे हुए भाई हैं ना, वो मुझसे भी सीनियर हैं, उनकी अक्सर बातें जो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे वो बताते हैं या कमेंट में बताते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, ऐसा होता है। अच्छा, 5000 रियाल बोलता ही मैंने रोक कर रखे थे तकरीबन एक माह पहले, वीडियोज़ मेरी देखता था, खुद से भी माशाल्लाह समझदार था। अभी वो बोल रहा था कि भेज दूँ, मैंने उसको कल वैसे मैसेज किया हुआ था कि भेज दे, अगर कल शाम को उसने भेजे होंगे तो मेरे हिसाब से उसे 5000 के पीछे, पहले उसका 60 बन रहा था, अभी 70, चलो 70 लगा लें, अभी 70 उसका बनेगा, तो कितना, यानी कि 1000 भेजेगा तो 60000 पहले था, अभी 70000, 10000, 1000 के पीछे, 5000 के पीछे कितना फ़ायदा हो गया, 50000 रुपये का। ठीक है, ये बात मैं आपको साथ में रेट भी दिखा देता हूँ। ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा था कि भाई उसने एक महीना रियाल वहां पर रखे, एक महीने बाद वो उसने बोला कि मैं भेज दूंगा, अभी उसने सेंड किए तो उसे 50000 रुपए का फायदा हुआ। पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है, इस चीज का इफेक्ट उसकी फैमिली के ऊपर नहीं होगा महंगाई का, क्यों, उसने पहले की निस्बत 50000 उनको जायद भेज दिए। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो बहरहाल अभी आप भेजना चाहे तो भेज लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले 60 से ये रेट 72-73 पर गया, अभी फिर से ये 60 पर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, चंद 2-4 रुपए कम हो सकता है, लेकिन वो पहले वाला मामला नहीं होगा कि अभी फिर से 60 पर चला जाएगा। आपको डॉलर के साथ में दिखा रहा हूँ, आज फिर डॉलर कम हुआ है, कल की निस्बत देख लें, 1.30 रुपए तकरीबन 25-30 पैसे कल की निस्बत आज फिर कम हुआ है। अगर रेट की बात करें तो आपको एक्सचेंज रेट पहले दिखा दूंगा, जो कि आज का है जी 71 रुपए 32 पैसे, और इंडिया 22 एंड बांग्लादेश टका 28.80 पर पहुंच चुका है। अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले फौरी बैंक, बैंक जजीरा की बात करेंगे तो इनका रेट आज का 71 रुपए 92 पैसे और 10-17 रियाल इनकी फीस होती है। एसटीसी पे 71 रुपए 11 पैसे 17 रियाल फीस के साथ है। राजी बैंक 71 रुपए 14 पैसे 10-17 25 रियाल फीस के साथ है। वेस्टर्न यूनियन 71 रुपए 33 पैसे और 23 रियाल फीस के साथ है। मनीग्राम की बात करें तो आपको 71 रुपए 57 पैसे क्रेडिट मिलेगा, 23 रियाल इनकी भी फीस है। एंड ANB बैंक, इनकी अगर बात करें तो 71 रुपए 35 पैसे इनका रेट है, 15-17 रियाल इनकी भी फीस है। इंजाज बैंक की बात करें तो आपको 71 रुपए 28 पैसे रेट मिल जाएगा, 10-17 25 रियाल फीस के साथ है। और अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे आज रेट दे रही 71 रुपए 32 पैसे और इनकी भी 10-17 रियाल फीस होती है। हॉन्डी का रेट जो इस वक्त का है 65-66-67 इस अराउंड में चल रहा है। हॉन्डी वाले आपको 4-5 रुपए पर रियाल के हिसाब से कम ही देंगे।